दोस्तों 2019 के बाद से मोदी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद से बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या फिर विदेशी घुसपैठियों की संख्या, घुसपैठ की जो है वो कम हो चुकी है। जहां हर साल 2 से 3 हज़ार के करीब बांग्लादेशी घुसपैठ कर जाते थे सीमा के उस पार से, वहीं मोदी सरकार के एक्शन के बाद से अब घुसपैठियों की संख्या कम हुई है। केंद्र सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन से बांग्लादेशी भी डरे हुए हैं। पिछले 5 सालों में 2300 से ज़्यादा घुसपैठी जो है पकड़े गए हैं। संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जानकारी देते हुए स्पष्ट तरीके से बताया है कि बड़े पैमाने पर घुसपैठियों की संख्या कमी हुई है, वहीं बांग्लादेशियों को चुन चुन कर भगाया भी गया है। लोकसभा में मंगलवार को एक लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया है कि पिछले 5 साल में 2399 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं और इन सभी के पास से अवैध तरीके से हासिल किए गए भारतीय दस्तावेज भी मिले थे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विशेष क्षेत्रों में अवैध प्रवास को भी रोकने को कहा गया है। घुसपैठ के बायोमेट्रिक विवरण के साथ ही पूरी जानकारी एकत्र करने की सलाह दी गई है। उनके पास पाए जाने वाले भारतीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड इत्यादि को रद्द करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और उनको वापस उनके देश भेजने की प्रक्रिया जो है वो शुरू करने को कहा गया है। नित्यानंद राय ने सदन को बताया है कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत काम करने वालों में किसी भी कश्मीरी पंडित ने हाल ही में घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या के विरोध में इस्तीफा नहीं दिया है। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। लेकिन इन सब चीज़ों में बांग्लादेशियों की संख्या भी बताई कि पहले जहां बांग्लादेशी बड़े संख्या में घुसपैठ कर रहे थे, वहीं अब न केवल घुसपैठ रुकी है बल्कि जिन्होंने घुसपैठ कर लिया है उनको अब चिन्हित करके बॉर्डर उस पार भेजा जा रहा है, जिनमें से अब तक 2300 से ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा भी गया। जहां हर साल 2 से 3 हज़ार से 4 हज़ार करीब घुसपैठी इंटर करते थे, वहीं अब संख्या ये हो गई है कि 2 हज़ार से 3 हज़ार हर साल पकड़े जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और केंद्र सरकार के ताबड़तोड़ इस कार्रवाई और राज्यों के सहयोग से पकड़े जा रहे बांग्लादेशियों में कहीं ना कहीं एक तरीके से सबसे ज़्यादा असम के हैं, असम में हैं और बांग्लादेश में भी बड़े पैमाने पर हैं। अगर ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी सरकार आ जाए तो समझिए एक साल में कम से कम 5,000 बांग्लादेशी तो वैसे ही पकड़े जाएँ। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक की राजनीति की वजह से वहाँ न तो जाँच कर रही हैं और ना ही केंद्र सरकार के जाँच प्रोसेस का पालन कर रही हैं और ना ही उन्हें फॉलो करवाई, ना ही उन्हें किसी तरीके से मदद कर रही हैं। इस वजह से बंगाल में जो घुसपैठी हैं उनको रोकने में फिलहाल अभी विफलता हासिल हो रही है, लेकिन बॉर्डर पर सेना पूरी तरीके से रोक लगा रखी है। असम जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर घुसपैठी जो है वो पकड़े गए हैं। ऐसे में कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। अगर आप भी मानते हैं कि केंद्र सरकार इस तरफ जो है वो सकारात्मक कदम बढ़ाई हुई है तो कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बांग्लादेश की घुसपैठियों पर केंद्र सरकार, मोदी और शाह का ये डंडा जो चल रहा है, अगर आप भी मानते हैं पूरे देश भर में इस तरीके से रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को उठाकर फेंकना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें।